हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है वीडियो में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लिए जो प्रमोशन लेना चाहते हैं। कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या MR जो सीनियर हो गए हैं, जिनको ऑलमोस्ट 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और वो प्रमोशन लेना चाहते हैं, बट उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से। आप परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं, 100% टारगेट भी अचीव कर रहे हैं, बट कंपनी आपको प्रमोट नहीं कर रही है। इसके बाद आपके मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं आ रहा, क्या मेरे अंदर कमी, मैं परफॉर्म भी कंटिन्यूस कर रहा हूँ। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए चलिए देखते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो ABM का रोल है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ABM का काम क्या होता है, देखने में तो लगता है काफ़ी ईजी है। ABM आता है, बाइक पर बैठता है, शाम तक काम करता है, फिर चला जाता है या होटल में स्टे करता है, मीन्स बाइक पे पीछे बैठ के काम ही करता है। और क्या उसका रोल, बहुत ही आरामदायक जिंदगी होती है, बहुत रिलैक्सेशन रहता है उसको, कोई काम नहीं है। बट फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। अगर रियलिटी में जाके देखें तो भाग दौड़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इट्स नॉट ए इजी जॉब, इतना आसान नहीं होता जितना देखने में लगता है। चलिए थोड़ा सा ABM के जॉब प्रोफाइल को समझते हैं। एक्चुअली ABM का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, जैसे आप एज ए ABM वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। मीन्स बैकेंड में आपके पास एक टीम होती है जिसको आपको गाइड करना होता है, जिसको एक लीड करना होता है। और एक टीम को लीड करने के लिए आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो आप फिर यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन काम करेंगे, उसके बाद परेशान होकर फिर बोलेंगे यार ये ABM काम करना तो बहुत ही टफ है। ये रियलिटी है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई प्रमोशन लेते हैं और प्रमोशन लेने के बाद कुछ टाइम काम करते हैं, फिर उनको समझ में आता नहीं, MR वाला काम ही बहुत अच्छा था, फालतू आके यहाँ पे फंस गए जो है, तो फिर से वो प्रमोशन लेके फिर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। तो इसलिए ABM का जॉब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ABM की जॉब जो होती है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी होती है, साथ ही साथ बहुत ही रेगुलरिटी से होती है। आपका कहीं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप वर्क कर रहे हैं, आपका काम करने का मन नहीं है, चलिए आप लेट चले गए फील्ड में, बट एज ए ABM जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको एक छुट्टी लेने के लिए या लेट निकलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। क्योंकि आप अगर लेट निकलेंगे तो आपके पीछे एक बंदा है जो का आपका वेट कर रहा है और उसके ऊपर एक गलत इंप्रेशन जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एज ए ABM काम करने में उन सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। चलिए फिलहाल जो भी पॉइंट्स है, अगर आपके मन में है कि हाँ एज ए ABM वर्क किया जाए और आप अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ यहाँ पॉइंट डिस्कस करता हूँ। 8-10 पॉइंट है जिसको आप फॉलो करिए, इम्प्लीमेंट करिए अपने डे टू डे वर्किंग में, जिससे आपको प्रमोशन मिलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एज यू नो दैट कि ABM जो एक जॉब प्रोफाइल है बहुत ही वो कोलाबरेटिव होता है, बहुत ही इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि उसको एक टीम को लीड करना होता है। तो आपके अंदर जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कोलाबरेटिव की, मींस आप पीपल के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ, अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ। साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो भी आप बात अपनी टीम को बताना चाहते हैं वो बात जिस वे में आप कहना चाहते हैं उसी वे में आपके टीम को समझ में आनी चाहिए। तो आपका कोलैबोरेटिव नेचर का होना बहुत जरूरी है। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर हम देखते हैं तो अगर आप बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव नहीं है, अपने कस्टमर से सिर्फ इंगेज हैं, किसी और के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपका काम चल जाएगा। बट एज ए ABM जब हम काम करते हैं तो वहां पे कोलैबोरेटिव नेचर का होना, ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको सभी का सुनना है और करना अपने मन से है। साथ ही साथ सभी लोगों को सुनने के बाद आपको डिसीजन में लेना है कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है। आपका जो आपके टीममेट्स हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ सजेशन देते हैं, साथ ही साथ जो अपर मैनेजमेंट है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं उनको भी अपने टीममेट्स से फॉलो करवाना होता है। मीन्स जो भी अपने जूनियर्स हैं, जो भी अपने कलीग्स हैं, उनसे फॉलो करवाना होता है। आपको दोनों तरफ सुनना है, अपने टीममेट्स का भी सुनना है, साथ ही साथ जो अपना सीनियर है उसको भी सुनना है, और दोनों के बीच में आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है। तो इस प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए आपका कोलैबोरेटिव नेचर होना बहुत जरूरी है। साथ ही बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, ग्रोथ ओरिएंटेड। फ्रेंड्स, जब आप एज ए ABM काम करते हैं तो आपको ग्रोथ देना कंपलसरी हो जाता है। सिंपल सी बात है, आप जो भी वर्क करेंगे उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए कंपनी का, कंपनी का जो गोल है उसको आप अचीव कर पाएं। आपकी वर्किंग स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। जब भी आप फील्ड में काम करने जाएं एक एम के साथ जाएं, और आप ताकि आपको कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट मिले। एज ए ABM काम करते हुए आपको आपकी प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट हमारा है गुड प्लानर। एज ए ABM जब भी आप काम करते हैं उस समय आपके मन में, आपके माइंड में बैकअप द एक प्लान होना चाहिए कि जो मंथ का टारगेट है या जो भी डिसाइडेड गोल है उसको हम अचीव कैसे करेंगे। आपको अपने टीममेट्स के बारे में, अपने कोलिग्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए किससे कितना आप सपोर्ट ले सकते हैं या किसके अंदर कितना कैपेसिटी है
कि उससे उतना सपोर्ट लिया जा सकता है या किसी को स्ट्रेच किया जा सकता है, क्योंकि जब एज ए एबीएम आप काम कर रहे होते हैं तो आपका गोल एज ए एबीएम होता है, बट आपके साथ में आपके सबॉर्डिनेट्स, आपसे कलीग होते हैं, जो कोई कुछ कम कर सकता है, किसी को ज़्यादा स्ट्रेच किया जा सकता है, किसी को कम स्ट्रेच किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किसको आप ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, किसको आप कम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आप ये तभी कर पाएंगे जब एक आपके पास इफेक्टिव एंड गुड प्लानिंग होगी। तो इफेक्टिव प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, और एक नहीं दो तीन प्लान होने चाहिए कि एक प्लान आपका फेल होता है तो आप दूसरे प्लान के ऊपर काम कर सकें। चौथा था फ्रेंड एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। अगर चौथे पॉइंट की बात करें एक्सीलेंट कम्युनिकेशन की, तो आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो आपके जो अपनी बात को आप अपने सीनियर को कन्विंस करें तो वो भी अपनी आपकी बात को समझ जाए, आपकी अगर आपने कोई प्रॉब्लम उसके साथ शेयर कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम को समझ जाए, साथ ही साथ अपने टीममेट्स जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ जब आप बात करते हैं या कंपनी का कोई भी मैसेज या फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो मैसेज जैसा आप कन्वे कर रहे हैं वैसा ही उन तक पहुंचना चाहिए। मींस आप जो कुछ उनको समझा रहे हैं, जो कुछ उनको बता रहे हैं, वो उनको समझ में आना चाहिए, ताकि आपका गोल और आपके टीम का गोल दोनों एक हो। क्योंकि अगर जब तक दोनों गोल एक नहीं होगा तब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो कुछ और जिस लहजे में आप बताना चाहते हैं वैसा ही आपके जूनियर को या जिस भी पर्सन को आप बता रहे हैं वैसा ही समझ में आना चाहिए। चलिए बात करते हैं पांचवें फैक्टर की, इम्पैक्ट ड्रिवन। इम्पैक्ट ड्रिवन मीन्स आप जब भी फील्ड में काम करने जाते हैं अपने कोलीग के साथ, अपने जूनियर के साथ, तो आपको एक इम्पैक्ट शो करना है, मींस आपको प्रिपेयर होके जाना होता है। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप सिंगल काम करते हैं, बट यहाँ पे आप काम करते हैं अपने टीम के साथ। अगर आपका इम्पैक्ट आपके कस्टमर पे अच्छा नहीं पड़ता है तो सिंपल सी बात है आपका जो टीममेट्स होगा, जो आपका जूनियर होगा, आपको फॉलो नहीं करेगा। अगर वो आपको फॉलो नहीं करेगा, आप उससे अपने आप को बेटर या सुपीरियर नहीं शो कर पाएंगे, तो सिंपल सी बात है आप उससे वर्क भी नहीं ले पाएंगे। अपने टीममेट से, अपने जूनियर से अच्छा वर्क लेने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना जरूरी है, और एक कदम आगे रहने के लिए आपको रीडिंग भी अच्छी करनी पड़ती है, प्लानिंग भी अच्छी करनी पड़ती है, और अपने टीममेट के साथ, सीनियर के साथ कोलैबोरेट भी अच्छा करना पड़ता है। तो इस चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताया, कोलैबोरेशन, गोल ग्रोथ ओरिएंटेड, गुड प्लानर एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, ये चार चीज की जैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक इम्पैक्ट ड्रिवन हो जाता है। मींस एक इम्पैक्ट अपने जूनियर्स के ऊपर, अपने टीममेट्स के ऊपर आप छोड़ते हैं। चलिए अगले बात करते हैं, एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट विथ आवर कस्टमर्स। जैसे आप अभी आपके टीम में कुछ नए कैंडिडेट्स भी होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, कई बार कोई छोड़ चला भी जाता है, फिर आपको नए कैंडिडेट लेना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, अगर आपको अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन है, कुछ अच्छे कस्टमर हैं, तो अगर आपकी टेरिटरी वैकेंट होती है वहाँ पे एज ए एबीएम जाके आप उस टेरिटरी को संभाल सकते हैं। जब भी कोई वैकेंसी होती है तो कंपनी का क्योंकि फोर्स होता है कि आप वहाँ जाके उसके टारगेट को अचीव करें या वहाँ पे ग्रोथ लेके आए, एटलीस्ट टेरिटरी डिग्रोथ में न जाने पाए। तो ऐसा करने के लिए वहाँ के कस्टमर के साथ आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो इसलिए आपका जो बिहेवियर होना चाहिए, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना कर रखें। इनकेस ऑफ वैकेंसी जो है, आपका जो होलसेलर है या स्टॉकिस्ट है उसके साथ भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अच्छे टॉकिंग होनी चाहिए, जिससे क्या होगा आपको इतना इफेक्ट ना पड़े। जब तक दूसरा कैंडिडेट आप सिलेक्ट करें, जब तक उसको सिखाएं, जब तक आप कंपनी के बारे में या पॉलिसीज के बारे में वो जाने, तब तक आप उसके सेल को संभालें और उसको जो है एक सपोर्ट दें, जिससे क्या होगा आपके और जो नया कैंडिडेट आया है आपके दोनों लोगों के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग बन जाएगी, और उसको भी लगेगा हाँ जो मेरे बॉस हैं, जो मेरे सीनियर हैं, उनके बड़े अच्छे रिलेशन है मार्केट में, और अगर मैं कुछ भी गलत करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पैक्टफुल सिचुएशन होती है। अगर ऐसा इम्पैक्ट आप डाल पाते हैं अपने जूनियर्स के ऊपर तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजर के अगले क्वालिटी के बारे में, सेवन क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वो होती है माइक्रो लर्निंग, मीन्स छोटी छोटी चीज़ें सीखने की। जैसे आप फील्ड में हम काम करते हैं, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं कि कौन क्या कम्युनिकेट कर रहा है, या डॉक्टर कुछ बात कर रहा है तो किस पॉइंट पे बात कर रहा है, या कोई कलीग हमें कुछ ही बता रहा है तो हम उसमें कुछ अच्छाई अगर है, कुछ बेटर है, कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो इम्प्रूवमेंट करें, या
डॉक्टर चैम्बर में जाते हैं तो थोड़ा आप निगाह दौड़ा कि हाँ क्या चीज़ यहाँ से लर्न किया जा सकता है, या अपने कस्टमर को क्या सर्विस ऐसी दिया जा सकता है जिससे उससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो सके। मेन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसके लर्निंग लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में एक चीज़ और भी होता है, टाइमली जैसे आप रिपोर्ट डालें, टाइमली अपने टीम के साथ एक फॉलो अप लें, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल सिचुएशन होती है। अगर रेगुलर आप फॉलो अप लेते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी आपको अच्छा एक रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात होती है, जैसे जैसे आप अपना कैरियर डेवलप कर रहे होते हैं, उस एरिया को डेवलप कर रहे होते हैं, साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मैन पावर को भी आप डेवलप करें। मींस कहने का मतलब ये है कि कोई टेरिटरी है, कोई हेडक्वार्टर है, वहाँ पे सिंगल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर वर्क कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती कि उस टेरिटरी को ग्रोथ करके वहाँ पे पूल कर दें या ट्राई पूल कर दें। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली। मिस मैनेजमेंट को भी डेवलप करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज ए मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ जो आपके टीम में नए कलीग्स आ रहे हैं, जो आपके साथ आपके जूनियर्स काम कर रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग देना। मीन्स कंपनी तो हमेशा बार बार ट्रेनिंग नहीं कराएगी ना, कंपनी तो एक साल में एक या दो बार ट्रेनिंग कराएंगी, बट अगर कोई कंपनी से लिटरेचर आ रहा है, कोई रेफरेंस आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, अपने कस्टमर के सामने उसको इलेबोरेट कैसा करना है, डिस्कस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको अपना जो अपने जो जूनियर हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग, छोटी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तभी आपकी टीम स्ट्रांग हो पाएगी। इसके लिए क्या आपको पहले आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा, खुद रीडिंग पहले करनी पड़ेगी। एज ए मैनेजर अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स को इनक्रीज करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा अपनी रीडिंग हैबिट्स को आप इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं 10वें पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मीन्स आपका बिहेवियर, आपका नेचर, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं, जो आपको अभी नए पॉइंट में बता चुका हूँ, इसमें से अगर एक दो पॉइंट कोई मिस भी हो जाता है, बट आपका बिहेवियर अगर अच्छा है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है अपने कलीग्स के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने कस्टमर के साथ, तो सिंपल सी बात, तब भी आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एज ए एबीएम या एज ए लीडर काम करने के लिए आपका बिहेवियर अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपका एटीट्यूड आता है, आपका पोलाइटनेस आता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग आता है, आप कितने ओपन माइंडेड हैं, कितने कोई चीज़ आपको कोई बताया जा रहा है, कोई जूनियर आपको बोल रहा है, कितने उसकी बातों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर में आ जाता है। बिहेवियर क्योंकि एक अलग से अपने आप में एक टॉपिक है, बट यहाँ सिंपली अगर हम कहें तो एक अच्छा बिहेवियर जब होता है, जो अच्छा रिलेशन होता है अपने जूनियर के साथ में, अपने कलीग के साथ में, साथ ही साथ में अपने सीनियर के साथ में, तो आपको जो वर्क करने में या अपने जूनियर से वर्क लेने में जैसे आप कहते हैं जैसा आप चाहते हैं वैसा करवाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि आपका जूनियर्स आपके बिहेवियर की वजह से, आपके नेचर की वजह से आपको फॉलो करता है और आपको एक आइडियल मानता है। तो और साथ ही साथ फील्ड में जो अदर एज ए मैनेजर जब आप वर्क कर रहे होते तो अपने जूनियर के साथ जो अपने कस्टमर्स हैं, कस्टमर में जैसे डॉक्टर्स होते हैं उनको भी सेटिस्फाइड करना होता है। साथ ही साथ कई बार बहुत सारे इशूज होते हैं, चाहे वो डॉक्टर के साथ हो या होलसेलर स्टॉकिस के साथ हो, वहाँ भी जाके उन प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आपको शो करना पड़ता है, बहुत ही मेच्योरिटी से काम लेना पड़ता है, क्योंकि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको सबसाइड करने के लिए ही मैनेजर आता है, बट अगर मैनेजर ही कोई मिस्टेक कर देगा या इलीगल टॉक कर देगा तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, चाहे वो डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपके स्टॉकिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। उस टाइम पे क्या होता है, आप अपने कंपनी की इमेज को ख़राब कर रहे होते हैं, मीन्स क्योंकि आप और आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। एज ए मैनेजर दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड ए गुड इमेज इन द मार्केट, इन द फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ होलसेलर और स्टॉकिस्ट और वॉट एवर जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जहाँ भी आपकी डीलिंग होती, चाहे हॉस्पिटल हो या मेडिकल स्टोर हो, जो भी है वहाँ पे आप एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बिहेवियर शो करें, जिसकी वजह से आपका भी इमेज बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके कंपनी का भी, कॉरपोरेट का भी इमेज बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये 10 पॉइंट थे जिसको मैंने डिस्कस किया। अगर आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं एंड एज ए फर्स्ट लाइन वर्क करना चाह रहे हैं, प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, तो ये सारे क्वालिटी, ये लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर आप इम्प्लीमेंट करिए।
ये एक हफ्ते 10 दिन के अंदर नहीं हो जाएगा या इसको पढ़ के याद करके नहीं हो जाएगा। इन सब सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। मैं सारे पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपका फर्स्ट है कोलाब्रेशन, कोलाब्रेटिव नेचर के होने चाहिए ताकि आप पीपल से जो भी अपने कस्टमर हैं और अपने कलीग से उनके साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकें और कम्युनिकेट कर सकें। ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, गुड प्लानिंग होनी चाहिए, मीन्स गुड प्लानर होना चाहिए आपको, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, इम्पैक्टफुल ड्रिविन होना चाहिए। मतलब जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करवा रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। रिलेशनशिप डेवलपमेंट विद कस्टमर होना चाहिए आपको, साथ ही साथ माइक्रो लर्निंग होनी चाहिए। मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, अपने जो टीम है उसको ट्रेनिंग करनी होती है, साथ ही साथ आपका बिहेवियर है। तो ये सारे पॉइंट है, अगर आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको फील्ड के अंदर फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली जब आप एज ए ABM के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सारे चीज़ के जितनी भी क्वालिटी मैंने आपको बताई, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, बट कुछ लोग हैं उनका वो पार्ट पुअर होता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर नॉलेज। आज के टाइम पे फ्रेंड आप जानते हैं कि सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का वर्क बढ़ता जा रहा है। कंपनी का जो रिपोर्टिंग सिस्टम वो भी कंप्यूटराइज है, आपको कोई भी फॉर्मेट भेजना है वो भी पहले रिटर्न जाया करता था, अब एक्सेल फॉर्मेट में है। तो अगर एज ए मैनेजर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एज ए फर्स्ट लाइन अगर आप जाना चाहते हैं तो जो क्वालिटीज मैंने बताई इसको इम्प्लीमेंट करने के साथ थोड़ा सा अपना कंप्यूटर वर्क इंक्रीज करिए, अपने अंदर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करिए, अपने मैनेजर जो भी सीनियर मैनेजर है उनके साथ इन सारी चीज़ों को डिस्कस करिए, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर धीरे धीरे करके वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। और 5-6 महीने आप कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके। अभी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अगर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को मान लीजिए कि आप एज ए ABM प्रमोट हो गए हैं और आपको इन सारी क्वालिटी को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके फॉलो करके देखना है। अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए कि मैं एज ए ABM काम कर रहा हूँ और सारी चीज़ें टाइम पे करूँगा। अगर रिपोर्टिंग है तो टाइम पे करूँगा, एंड कोई फॉर्मेट देना है तो बिल्कुल टाइम पे करूँगा, साथ ही साथ जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको फॉलो करूँगा। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रॉब्लम्स इससे रिगार्डिंग हो, तो मैं इसमें कोशिश करूँगा उसको एलिबोरेट करने की, बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।